नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। हेडलाइंस से पहले आप सबके लिए एक बेहद जरूरी सूचना। प्रयागराज शाखा की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब दृष्टि आ रही है गुलाबी नगरी जयपुर में भी, ताकि दिल्ली न आ सकने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली जैसी गुणवत्ता उनके अपने ही शहर में मिल सके। दृष्टि की जयपुर शाखा का आरंभ अप्रैल 2020 में होगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो IAS और RAS या RTS दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग विशेषीकृत बैच होंगे। जयपुर शाखा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए अलग बैच की व्यवस्था होगी। यदि आप RAS या फिर RTS परीक्षा के लिए कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हों और विषय पर पकड़ व अभिव्यक्ति कौशल के मामले में श्रेष्ठ हों, तो एक आकर्षक, स्थायी व सम्मानजनक भविष्य के लिए आपका दृष्टि में स्वागत है। आप संपर्क कर सकते हैं श्री विवेक तिवारी से, जिनका फोन नंबर है 9990427041। तो अगले महीने यानी अप्रैल 2020 का इंतजार कीजिए। जयपुर शाखा के बारे में कोई भी अपडेट हम इसी चैनल पर आपको प्रोमो के माध्यम से या फिर करंट न्यूज के माध्यम से देते रहेंगे। चलिए अब हेडलाइंस की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में रोड साइड बैनर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा किस कानून के तहत लगवाए गए बैनर। सरकार ने आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य मामले का दिया हवाला। मलयालम भाषा के 2 TV चैनलों पर बैन लगाने की खबर। 48 घंटे के अंदर ही हटा बैन। चैनलों पर था केबल टीवी नेटवर्क्स रूल्स 1994 के उल्लंघन का आरोप। WHO ने कोरोना को घोषित किया वैश्विक महामारी। इसे मिला मैसिव इन्फोडेमिक का दर्जा। सोशल मीडिया में लंबे समय से चल रही थी इसके महामारी होने की खबर। रेड पांडा के अवैध व्यापार और शिकार पर ट्रैफिक ने जारी की रिपोर्ट। नई पीढ़ी के लोगों में जानवरों से बने उत्पादों को लेकर कम रुझान। सिक्किम का राज्य पशु है रेड पांडा। और कॉर्ड ब्लड बैंकिंग से जुड़ी गलत धारणा को मिटाने की पहल। डॉक्टर्स और कंपनियों की मिलीभगत से फैल रही हैं अफवाहें। कमर्शियल कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के संबंध में सिफारिश नहीं करता ICMR। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में CAA प्रोटेस्ट से जुड़े रोड साइड बैनर्स के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि किस कानून के तहत ये बैनर लगवाए गए थे। कोर्ट का कहना है कि कई बार जनता कानून का पालन करने से भटक जाती है, लेकिन सरकार कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। साथ ही निजता के प्रश्न को हाईलाइट करते हुए कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले में अपनी बात रखते हुए 1994 के आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य केस का हवाला दिया। दरअसल इस केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो लोग हिंसा करते हैं और विरोध प्रदर्शन के दौरान हथियार उठाते हैं, वे निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 में हुए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषी व्यक्तियों के पोस्टर्स उनके निजी जानकारी के साथ लगवाए थे। इन पोस्टर्स पर दोषियों से हर्जाना भरने के लिए कहा गया। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को समन किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि रोड साइड पोस्टर्स व्यक्ति की निजता का हनन है। निजता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही यह लोकतंत्र का प्रमुख मूल्य भी है। अगर इसे चोट पहुंचती है तो यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों के लिए भी घातक होगा। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी सवाल किया था कि किस विधिक प्रक्रिया के अनुसार हर्जाना वसूलने के लिए पोस्टर लगाया गया है। कोर्ट ने तल्ख अंदाज में उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि कुछ चुनिंदा लोगों का निजी डेटा रोड साइड लगवाना सरकार के किसी छिपे उद्देश्य की पूर्ति करने जैसा है। हाल ही में मलयालम भाषा के 2 TV चैनल्स पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बैन लगाने की खबरें सामने आईं। हालांकि 48 घंटे के बाद यह बैन हटा दिया गया। आदेश के मुताबिक दिल्ली हिंसा पर उकसाने वाली खबरें दिखाने की वजह से एशिया नेट और मीडिया वन चैनलों पर बैन लगाया गया था। मंत्रालय के इस फैसले को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हनन के तौर पर देखा जा रहा है। इन चैनल्स पर केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशंस एक्ट 1995 की कार्यक्रम संहिता और केबल टीवी नेटवर्क्स रूल्स 1994 के उल्लंघन का आरोप था।
1994 के नियमों में केबल सेवा में कुछ कार्यक्रमों को नहीं दिखाए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के मुताबिक केबल सेवा में ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसमें किन्हीं धर्मों या समुदायों पर हमला करने जैसा कंटेंट हो अथवा ऐसे शब्द या दृश्य हों जिनसे धार्मिक समूहों की अवमानना होती है या सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ती हो। इसी तरह कुछ ऐसे कार्यक्रमों को भी रोकने का उपबंध है जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलने या उसके भड़कने की संभावना है अथवा जो लोक व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ हो या राष्ट्र विरोधी अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा 1994 में एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसने बाद में 1995 के कानून का रूप लिया। यह कानून केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के सब्सक्राइबर्स को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत कराने और राष्ट्र विरोधी प्रसारणों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके अलावा यह कानून सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, कॉपीराइट एक्ट 1957 और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का पालन करने का जिक्र भी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बंद और हड़ताल को असहमति जताने का विधि सम्मत माध्यम बताया है। फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई संगठन जो सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, अगर वह बंद और हड़ताल जैसी किसी गतिविधि को अपना समर्थन देता भी है तो उसे विदेशी फंड हासिल करने के अपने कानूनी हक से वंचित नहीं किया जा सकता। बेंच ने यह भी निर्धारित किया कि सरकार ऐसे किसी संगठन पर राजनीतिक होने का ठप्पा नहीं लगा सकती। आपको बता दें कि यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आया है जिसमें हाई कोर्ट ने इंसाफ नाम की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की याचिका खारिज कर दी थी। इंसाफ ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस रूल्स 2011 के कुछ प्रावधानों को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी थी। 2011 में जारी नियमों का नियम 3(6) केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह ऐसे किसी संगठन को राजनीतिक प्रकृति का घोषित करे जो किसी बंद या हड़ताल आदि में लिप्त पाया जाए। कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक मानने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि यह उपबंध केवल सक्रिय राजनीति से जुड़े संगठनों पर लागू होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी है। इनमें से स्वाधार गृह योजना के तहत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही महिलाओं के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क मुहैया कराया जाता है जिससे ये महिलाएं एक गरिमामय जीवन जी सकें। एक दूसरी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक होम फॉर विडोज बनाया गया है जिससे विधवाओं को सुरक्षित स्थान मुहैया कराया जा सके। इसका एक मकसद इन विधवाओं को बेहतर स्वास्थ्य, पोषक खाद्य और कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जबकि महिला शक्ति केंद्र योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के जरिए अपनी क्षमताओं का संपूर्ण विकास करने का अवसर दिया गया है। साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए शहरी गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय दो योजनाएं संचालित कर रहा है, एक इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जहां इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जरिए महिला लाभार्थियों को भी वहनीय घर मुहैया कराया जाता है। बीते दिनों नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया और जेंडर एट वर्क नाम के संगठनों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण के संबंध में अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर यह सर्वे किया गया था उनमें 36% महिलाओं ने माना कि उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना किया है। हालांकि इनमें से 53% ने इस संबंध में शिकायत दर्ज नहीं की। इसके आगे यह भी कि जो महिलाएं इस संबंध में आंतरिक शिकायत समिति के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची हैं उनमें से 70% ने माना कि वे समिति के फैसले से सहमत नहीं हैं। सर्वे में कई महिलाओं ने यह भी बताया कि जिन संगठनों में वे काम करती हैं वहां इन मामलों को सुनने के लिए किसी तरह की समिति का गठन नहीं किया गया है। सर्वे में प्रकाशित इन आंकड़ों से हमें 2013 के कानून के कमजोर क्रियान्वयन का पता चलता है। आपको बता दें कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम लाया गया। यह कानून यौन उत्पीड़न की शिकायतें सुनने के लिए संगठन में आंतरिक शिकायत समिति के गठन का प्रावधान करता है।
वहीं नियोजक को भी कुछ कर्तव्य सौंपे गए हैं कि वे कार्यस्थल पर ऐसे वातावरण का निर्माण करें ताकि कार्यस्थल पर कर्मचारी स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। क्रिएटिंग सेफ वर्क प्लेसेस, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन मीडिया हाउसेज इन इंडिया नाम की इस रिपोर्ट में महिलाओं के साथ होने वाले तरह तरह के उत्पीड़नों का जिक्र किया गया है। लैंगिक टिप्पणियां, अवांछनीय लैंगिक जोक्स, लज्जाजनक भाव भंगिमाएं या शारीरिक भाषा, अवांछनीय संबंध बनाने के प्रयास आदि को इन उत्पीड़नों में शामिल किया गया है। बीते दिनों लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी मुहैया कराई गई। भारत में केंद्रीय स्तर पर अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदाय बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख हैं। सरकार द्वारा इन अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। इनसे जुड़ी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम के तहत वित्तीय रूप से सहायता मुहैया कराई जाती है। वहीं नया सवेरा योजना के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतियोगियों को तकनीकी पेशेवर पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा भी दी जाती है। दूसरी तरफ नई उड़ान योजना के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के उन प्रतियोगियों की मदद की जाती है जिन्होंने UPSC, स्टेट PCS, SSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। जबकि नई रोशनी योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है। सीखो और कमाओ योजना के तहत 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं में कौशल विकास किया जाता है जिससे वे रोजगार पाने के काबिल बन सकें। ऐसे क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं वहां सामाजिक आर्थिक परिसंपत्तियों और बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जियो पारसी योजना के तहत पारसियों की जनसंख्या गिरावट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण योजना अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट यानी उस्ताद को मई 2015 में लॉन्च किया गया था। साथ ही नई मंजिल योजना के तहत स्कूल ड्रॉपआउट्स को फॉर्मल स्कूल एजुकेशन देने की बात की गई है। दुनिया भर में कोरोना के चलते हो रही निरंतर मौतों के बाद WHO ने इसे पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। हालांकि सोशल मीडिया में लंबे समय से इसके महामारी होने जैसी खबरें प्रसारित हो रही थी। इससे जुड़ी खबर के बड़े स्तर पर फैलाए जाने के कारण WHO ने इसे मैसिव इन्फोडेमिक माना है। मैसिव इन्फोडेमिक वह स्थिति होती है जब सूचनाओं को बड़े स्तर पर फैलाया जाता है जिनमें से कुछ बातें वास्तविक होती हैं जबकि कुछ गलत। इस वजह से लोगों को विश्वसनीय स्रोतों पर भी भरोसा नहीं रहता। यह पहला मौका है जब WHO को कोरोना आउटब्रेक के लिए न केवल अपनी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित करनी पड़ी बल्कि सही सूचनाओं के प्रसार के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के साथ कोऑर्डिनेट भी करना पड़ा। इसके लिए WHO ने हाल ही में EPIWIN यानी WHO नेटवर्क फॉर इंफॉर्मेशन इन एपिडेमिक्स की घोषणा की थी। गौरतलब है कि WHO के मानकों के अनुसार कोई ऐसी नई बीमारी जो दुनिया भर में प्रसारित हो जाती है और जिसके प्रति आम जनता प्रतिरक्षा नहीं कर पाती तो उसे पैंडेमिक की कैटेगरी में रखा जाता है। बीते दिनों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया। यह इंडेक्स मापता है कि किस तरह सामाजिक मान्यताएं राजनीति, रोजगार और शिक्षा में लैंगिक समानता के लिए बाधक बनी हुई हैं। इस इंडेक्स में 75 देशों से आंकड़े लिए गए। इन देशों में दुनिया की लगभग 80% आबादी निवास करती है। इसके अनुसार महिला पुरुष समानता के क्षेत्र में दशकों तक प्रयास होने के बावजूद लगभग 90% महिला और पुरुष महिलाओं के प्रति किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इसमें महिला समानता की राह में आने वाली ग्लास सीलिंग का भी जिक्र किया गया है। ग्लास सीलिंग महिलाओं की प्रगति के रास्ते में एक कृत्रिम दीवार है। पुरुष प्रधान समाज की किसी संस्था में बड़े पदों पर पहुँचने के लिए महिलाएँ इसका सामना करती हैं। इंडेक्स के अनुसार दुनिया के लगभग आधे महिला और पुरुष को लगता है कि पुरुष अच्छे राजनेता होते हैं। लगभग 40% से अधिक लोगों का मानना है कि रोजगारहीनता की स्थिति में पुरुषों को रोजगार पाने का अधिकार ज़्यादा है। लगभग 28% लोगों का मानना है कि पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को पीटा जाना जस्टिफाइड है। पावर गैप के संबंध में इंडेक्स में बताया गया है कि दुनिया भर में महिला और पुरुष समान दर से वोट देते हैं, बावजूद इसके विश्व में केवल 24% संसदीय सीटों पर महिलाएं काबिज हैं।
आपको बता दें कि 2020 में ही बीजिंग डिक्लेरेशन की 25वीं वर्षगांठ आयोजित हो रही है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित इस डिक्लेरेशन को फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन में अपनाया गया था। शिक्षा पर संसदीय पैनल की एक हालिया रिपोर्ट ने स्कूलों में मौजूदा सुविधाओं की खस्ता हालत का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के लगभग आधे सरकारी स्कूलों में बिजली और खेलने के मैदान जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। मणिपुर और मध्य प्रदेश में स्थिति और बदतर है। इन दोनों राज्यों में 20% से भी कम विद्यालयों में बिजली की पहुँच है। स्कूलों में खेल के मैदानों की बात करें तो ओडिशा और जम्मू व कश्मीर में 30% से भी कम स्कूलों में ही बच्चों को खेलने के लिए मैदान बने हैं। स्कूली शिक्षा पर वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अनुदान के संबंध में राज्यसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट में HRD पर संसदीय स्थायी समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए बजट आवंटन में हुई 27% कटौती पर चिंता जताई है। इस बार 82,570 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के मुकाबले केवल 59,845 करोड़ रुपए के बजट को ही मंजूरी मिली है। संसदीय पैनल ने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के निर्माण की धीमी विकास दर को लेकर भी सरकार की आलोचना की है। 2019-20 के लिए जहां 2613 परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, उसके मुकाबले पहले 9 माह में केवल 3 को ही पूरा किया जा सका है। वहीं 2019-20 के लिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1,000 से ज़्यादा मंजूर अतिरिक्त कक्षाओं के मुकाबले 31 दिसंबर 2019 तक एक भी अतिरिक्त कक्षा का निर्माण नहीं किया गया। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर लैंगिक असमानता को कम करने के लिए केंद्र ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार के मुताबिक लैंगिक असमानता को पाटने के क्रम में समग्र शिक्षा की काफ़ी अहम भूमिका रही है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक समेकित योजना है। स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत कई पहलें शुरू की गई हैं। इस दिशा में वंचित वर्ग के बच्चियों को स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी खोले गए हैं। KGBV SC ST OBC अल्पसंख्यक और BPL वर्ग के लिए कक्षा 6 से 12 तक के लिए आवासीय विद्यालय होते हैं। HRD मंत्री ने UDISE+ के बारे में भी बताया। UDISE यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक ऑनलाइन सिस्टम है। UDISE को प्रारंभिक शिक्षा के लिए DISE और माध्यमिक शिक्षा के लिए सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को एकीकृत करने के मकसद से 2012-13 में शुरू किया गया था। इस दौरान उन्होंने जेंडर पैरिटी इंडेक्स का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी की बात कही गई है। आपको बता दें कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स यूनेस्को जारी करता है, जो स्कूलों में लड़कों और लड़कियों की भागीदारी को दर्शाता है। इंडेक्स में लैंगिक समानता को 1 से प्रदर्शित किया जाता है। इंडेक्स में 1 लड़के और लड़कियों की समान भागीदारी को बताता है, वहीं 1 से कम का मान लड़कों के पक्ष में असमानता, जबकि 1 से ज़्यादा का मान लड़कियों के पक्ष में असमानता को बताता है। बीते दिनों रेड पांडा के अवैध व्यापार और शिकार के मद्देनजर एक अच्छी खबर देखने को मिली है। वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसे असेसमेंट ऑफ इलीगल ट्रेड रिलेटेड थ्रेट्स टू रेड पांडा इन इंडिया एंड सेलेक्टेड नेबरिंग रेंज कंट्रीज नाम दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नई पीढ़ी के लोग जानवरों से बने उत्पादों में कम रुचि ले रहे हैं, इसलिए इनके शिकार में कमी आई है। हालांकि अभी भी यह अन्य जानवरों के लिए बिछाए गए जाल में फंस जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क यानी SAWEN के जरिए इनके संरक्षण के लिए कानूनों को मजबूती प्रदान करने की बात की गई है। SAWEN दक्षिण एशियाई देशों में वन्य जीव कानूनों को लागू करने में सहयोग देने वाला अंतर सरकारी निकाय है। इसे आधिकारिक रूप से जनवरी 2011 में लॉन्च किया गया था। अधिकांशतः पेड़ों पर रहने वाला रेड पांडा एक रेडिश ब्राउन रंग का मैमल है। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी का स्टेटस प्राप्त रेड पांडा बांस खाता है। लगभग 50% रेड पांडा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल का लांगतांग नेशनल पार्क इनका महत्वपूर्ण निवास स्थान है। इनके लिए प्रमुख खतरे जलवायु परिवर्तन और शिकार हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते तापमान से ये अपना निवास छोड़कर ऊंचाइयों पर जाने को मजबूर हैं। साथ ही फर के लिए इनका शिकार भी किया जाता है।
आपको बता दें कि रेड पांडा सिक्किम का राज्य पशु है। हर साल सिक्किम में रेड पांडा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। बीते दिनों रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल खबरों में रहा। यह कछुए की एक प्रजाति है जिसे बंगाल रूफ टर्टल भी कहा जाता है। निरंतर रेत खनन के कारण हुए आवास विखंडन, गैरकानूनी शिकार और मांस व अंडों के लिए शिकार के चलते इनकी संख्या में बड़ी गिरावट आई है। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। वहीं से साइट्स के अपेंडिक्स 2 और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी शामिल किया गया है। घटती संख्या के कारण 2012 में इसे तमिलनाडु स्थित मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट में संरक्षित प्रजनन के लिए लाया गया। MCBT की स्थापना मूल रूप से क्रोकोडाइल्स की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षित प्रजनन के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन वर्तमान में यहां टर्टल, टॉर्टोइज और दूसरे सरीसृपों जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों को भी रखा गया है। रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल भारत, नेपाल और बांग्लादेश की मूल प्रजाति है। इनकी मौजूदगी ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी मिलती है, लेकिन वर्तमान में केवल राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल सेंचुरी में ही ये बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पहले यह प्रजाति बड़ी संख्या में गंगा नदी में पाई जाती थी। इन कछुओं का वजन 25 किलोग्राम तक हो सकता है, लेकिन लंबाई के मामले में ये मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं और उनकी आधी लंबाई तक ही बढ़ सकते हैं। हाल ही में पूना सिटीजन डॉक्टर फोरम ने कॉर्ड ब्लड बैंकिंग से जुड़ी गलत धारणा को मिटाने का प्रयास किया है। यह संस्था डॉक्टर्स और मरीजों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने और मेडिकल एथिक्स को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। दरअसल कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के तहत अम्बेलिकल कॉर्ड ब्लड को भविष्य में उपयोग करने के लिहाज से प्रिजर्व किया जाता है। इस क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनियां कॉर्ड में मौजूद स्टेम सेल्स को सही कंडीशन में प्रिजर्व करने के लिए 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का पैकेज मुहैया कराती हैं। देखा गया है कि डॉक्टर्स और कंपनियों का गठजोड़ माता पिता बनने वालों का डेटा निकालता है। डिलीवरी से पहले उन लोगों को आकर्षक पैकेज और कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के फायदे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR कमर्शियल कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के संबंध में सिफारिश नहीं करती। ICMR का कहना है कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग को भविष्य में उपयोग करने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए कंपनियों द्वारा इस तरह के पैकेज मेडिकल एथिक्स पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा किसी भी स्थिति में माता पिता को इस तरह की बैंकिंग की सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए। आपको बता दें कि अम्बेलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स का अच्छा स्रोत होती है। यह भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ती है। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई में प्लेसेंटा की बड़ी भूमिका होती है। साथ ही यह भ्रूण द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मददगार होता है। हाल ही में भारत ने GISAID यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा के साथ नोवेल कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 का जीनोम सीक्वेंस डेटा साझा किया है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इस संबंध में कार्रवाई की है। इससे पहले अखबारों में भारत द्वारा जीनोम सीक्वेंस डेटा साझा न किए जाने को लेकर खबरें छपी थी। यही नहीं, 2015 में भी जब H1N1 के चलते बड़ी संख्या में भारतीयों की मौत हुई थी, उस समय भी भारत ने पूरा जीनोम सीक्वेंस डेटा साझा नहीं किया था। जीनोम सीक्वेंस डेटा से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को किसी वायरस की उत्पत्ति के मूल स्थान के बारे में जानने और डायग्नोस्टिक विकसित करने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि GISAID प्लेटफॉर्म 2008 में 61वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के मौके पर लॉन्च हुआ था। इसे इन्फ्लुएंजा डेटा की शेयरिंग में सुधार लाने के मकसद से लाया गया था। बीते दिनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने जीनोम इंडिया कैटलॉगिंग द जेनेटिक वेरिएशन इन इंडियंस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इस प्रोजेक्ट को देश के 20 विभिन्न संस्थानों के लिए आगामी 3 सालों की अवधि के लिए मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की जा चुकी है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 3 सालों में देश की विविध जनसंख्या में 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में की जाने वाली इस होल जीनोम सीक्वेंसिंग से प्राप्त जानकारियों को बाद में ह्यूमन जेनेटिक्स शोध में उपयोग किया जा सकेगा, ताकि लोगों को भविष्य में बड़ी बीमारियों के लिए भी सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट विश्व स्तरीय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित कार्यक्रम है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से 2003 के बीच अमेरिका के ऊर्जा विभाग
और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था। इसके अलावा दूसरे देशों के संस्थाओं ने भी इसमें अपनी भागीदारी दी। HGP का उद्देश्य मानव DNA के लगभग 20,500 जीन्स की पहचान करना था। हैदराबाद स्थित ARCI ने PEMFC यानी पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स तकनीक विकसित की है। इस सेल टेक्नोलॉजी को आपदा प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। PEMFC का विशेष लाभ यह है कि इसे कम तापमान में भी उपयोग में लाया जा सकेगा। इस तकनीक में डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। बता दें कि आपदा प्रबंधन में दुनिया भर में फिलहाल कंट्रोल रूम को इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स में बदलने की अवधारणा प्रचलन में है। ये ऑपरेशन सेंटर्स अत्याधुनिक संचार प्रणाली से लैस होते हैं और आपात की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। नई तकनीक में 10 किलोवाट ऊर्जा प्रणाली लगाई गई है, जिसमें एक फ्यूल सेल स्टैक है जो ग्रिड पावर के बिना हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर सतत बिजली की आपूर्ति करेगा। इसके अलावा इसमें एयर मूविंग सब सिस्टम्स, पावर कंट्रोल डिवाइसेज और कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई गई है। ARCI 10 किलोवाट तक की क्षमता का PEMFC सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है, जिसे तमिलनाडु राज्य आपात संचालन केंद्रों में स्थापित किया जाएगा। ARCI यानी इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास केंद्र है। बीते दिनों लोकसभा पटल पर आयुष क्षेत्र में विकास संबंधित जानकारियां रखी गईं। जानकारी के मुताबिक आयुष मंत्रालय ने नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स विकसित किए हैं। यह आयुर्वेद के साथ साथ मानकीकृत आयुर्वेदिक शब्दावली में परिभाषित रोगों का समग्र वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण को आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित नमस्ते यानी नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा चुका है। बता दें कि आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मानकीकरण के लिए CCRAS और आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद डायग्नोस्टिक मेथड की विश्वसनीयता और वैधता के लिए 2018 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। प्रोजेक्ट के तहत कुछ सामान्य बीमारियों की परिस्थितियों की पहचान की गई है। पहले चरण में कुष्ठ, कस यानी खांसी, श्वास और ज्वर की पहचान हुई है। CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह औषधियों की आयुर्वेद और सोवा रिग्पा प्रणाली में वैज्ञानिक शोध के फॉर्मुलेशन, समन्वय, विकास और प्रोत्साहन के लिए देश का शीर्ष निकाय है। विभिन्न रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए गुणवत्ता परक और वहनीय उत्पादों के लिए शोध के जरिए आयुर्वेद में उत्कृष्टता को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। सोवा रिग्पा हिमालय पार के क्षेत्रों की अत्यंत प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। वर्तमान में भारत के हिमालयी क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में यह चिकित्सा प्रणाली काफी प्रचलन में है। भारत को इंडियन ओशन कमीशन में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल कर लिया गया है। भारत को इस संगठन में शामिल करने का निर्णय सेशल्स में आयोजित इंडियन ओशन कमीशन के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि यह कमीशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 5 सदस्य देश यूनियन ऑफ कोमोरोस लॉ रीयूनियन के प्रतिनिधि के तौर पर फ्रांस, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेशल्स शामिल हैं। इसे पोर्ट लुइस घोषणा के तहत 1982 में गठित किया गया था। 1984 में इसे जनरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत संस्थागत रूप दिया गया था। जनरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट को विक्टोरिया एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका में इकलौता क्षेत्रीय संगठन है, जिसके गठन में विशेष तौर पर द्वीप शामिल हैं। इसके कार्यक्षेत्र में पारितंत्र का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और नवीकरणीय ऊर्जा आदि शामिल हैं। चीन, माल्टा, यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रेंकोफनी अन्य ऑब्जर्वर राष्ट्र हैं। आपको बता दें कि इंडियन ओशन कमीशन अपनी भौगोलिक स्थिति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े सभी द्वीपों की अवस्थिति हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल के पास है। USA और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते हॉर्मुज जल संधि पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वैसे स्थिति में मोजाम्बिक चैनल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtis.com पर। साथ ही
दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हालिया दिनों में केन्या के जंगलों में दो दुर्लभ सफेद जिराफों के मारे जाने की खबर सामने आई है। दुनिया भर में अब केवल एक सफेद जिराफ ही बचा है। जानवरों या पक्षियों का सफेद रंग ल्यूकिज्म की वजह से होता है। ल्यूकिज्म एक अनुवांशिक स्थिति है जिस कारण त्वचा कोशिकाओं में वर्णकता उत्पन्न नहीं होती। जिराफ को IUCN ने 2016 में रेड लिस्ट की सुभेद्य की श्रेणी में शामिल कर दिया था। जिराफों की संख्या में 1985 के बाद से 40% से अधिक की गिरावट आई है। IUCN के मुताबिक इसकी मुख्य वजह आवास विखंडन, नागरिक अशांति, शिकार और दूसरी पारितंत्रीय चिंताएं हैं। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना रहा। अमेरिका और रूस दोनों से होने वाले हथियारों की आपूर्ति में कमी आई है। रूस से होने वाले हथियारों का आयात 72% से घटकर 56% हो गया है, लेकिन अभी भी रूस भारत का सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक बना हुआ है। बीते 12 मार्च को दांडी मार्च के 90 साल पूरे हुए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी दांडी मार्च के साथ 12 मार्च 1930 को की थी, जिसे 6 अप्रैल 1930 को समाप्त किया गया। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। दांडी मार्च के दौरान गांधी ने अहमदाबाद स्थित अपने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी और दांडी नामक तटीय शहर में पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में संदूषित स्थलों की सूची को अपडेट किया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 324 ऐसी जगह हैं जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं। वहीं 196 और ऐसी जगहों पर अभी विचार किया जा रहा है। इस सूची में पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा 27 जबकि ओडिशा के 23 स्थल शामिल हैं। 6 राज्यों के ऐसे 20 संदूषित स्थलों को साफ करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर प्लान ऑफ एक्शन या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। इनमें केरल के एलूर अडियार, ओडिशा के गंजम और ओरिचम, तमिलनाडु का रानीपेट जैसे स्थल शामिल हैं, जहां सफाई कार्यक्रम चलाया जाएगा। बीते दिनों कर्नाटक के शिवमोगा में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज ने धान की एक नई किस्म सह्याद्री मेघा विकसित की है। नई किस्म धान के कृषि क्षेत्र में लगातार गिरावट को रोकने के उद्देश्य से विकसित की गई है। सह्याद्री मेघा धान की फसलों में ब्लास्ट डिजीज से लड़ने में सक्षम है और दूसरी किस्मों के मुकाबले अधिक पोषण युक्त है। बता दें कि ब्लास्ट डिजीज धान के पौधों में लगने वाली एक कवकीय यानी फंगल बीमारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक सरकार सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 का उपयोग करने का परामर्श देगी। बता दें कि यह धारा राज्य सरकार को किसी खतरनाक संक्रामक बीमारी के संबंध में विशेष फैसले लेने और विनियम निर्धारित करने की शक्ति देती है। इसके तहत जब राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य या उसके किसी क्षेत्र पर गंभीर बीमारी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उस स्थिति में सरकार किसी व्यक्ति को आवश्यक उपाय अपनाने की शक्ति दे सकती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जिसके संक्रमित होने का खतरा है उसे अस्पताल में अलग से रखा जाना या रेल यात्रियों और दूसरे यात्रियों का निरीक्षण करना। बीते दिनों सरकार ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र एवं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। यह अधिसूचना परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत जारी की गई है। इन राज्यों एवं जम्मू और कश्मीर में जनगणना 2011 के अनुसार ही विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। बता दें कि इस कानून के तहत केंद्र सरकार 3 सदस्य परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उच्चतम न्यायालय के आदेश और एम्स की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर मिशन जीरो एक्सीडेंट के तहत सभी रेलवे स्टेशनों और सवारी रेलगाड़ियों में दवाओं, उपचार सामग्री और ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त मेडिकल बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि मिशन जीरो एक्सीडेंट की घोषणा रेलवे बजट 2016-17 में की गई थी, जिसमें 2 उप मिशन भी शामिल हैं। ये हैं मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना और ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 तक देश के सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को हटा दिया गया है।
पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने सागरा शहर में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज पर शोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज कर्नाटक में विषाणु और टिक बोर्न यानी किलनी जनित रक्त स्त्रावी ज्वर है। इस बीमारी का सबसे पहला मामला कर्नाटक के शिमोगा के क्यासानूर वन क्षेत्र में पाया गया था। स्थानीय लोग इसे मंकी फीवर भी कहते हैं। KFD वायरस फ्लेवी वायरस परिवार का सदस्य है। बंदर और छोटे स्तनपाई इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। RTI के तहत एक जवाब में जानकारी सामने आई है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 2015 से अभी तक भारत में केवल 3 सुपर कंप्यूटर्स ही बनाए गए हैं। बता दें कि इस मिशन के तहत 70 उच्च दक्षता कंप्यूटिंग सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित करने पर जोर दिया गया है। इस मिशन का क्रियान्वयन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे और IISc बेंगलुरु इसकी नोडल एजेंसी हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार वस्त्र क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए नई वस्त्र नीति 2020 तैयार कर रही है। इसके तहत सूती रेशम जूट मानव निर्मित फाइबर आदि क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। बता दें कि वस्त्र उद्योग में मजबूती के लिए सरकार पहले से ही कई योजनाएं चला रही है, जैसे ATFUS यानी अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, समग्र हथकरघा क्लस्टर विकास योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, पावर टेक्स इंडिया, सिल्क समग्र, जूटाई केयर, पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना और समेकित टेक्सटाइल पार्क के लिए योजना। बीते 12 मार्च को चेन्नई में पहले क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति विटनेसिंग द एबिलिटी इन डिसेबिलिटीज का आयोजन हुआ। इसका आयोजन भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से चेन्नई स्थित दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया गया था। इससे पहले 2019 में भी 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दिव्य कला शक्ति एक ऐसा मंच है जहां दिव्यांगजनों को कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी आदि में प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।